हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले नामा के मूलतत्व पार्ट वन स्टैंडर्ड नंबर 12th के चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। इस चैप्टर की मेथड नंबर 1 औसत लाभ के दोनों वीडियो में पहले से अपलोड कर चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों की लिंक सेट कर दूंगा। आप वहां से जाके देख लेना कि मैंने मेथड 1 में क्या क्या चलाया है। आज हम सीखेंगे मेथड नंबर 2, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी IMP मेथड है और जो मैं आपको सम सॉल्व कराने जा रहा हूं वो गुजरात बोर्ड में 2018 में आ चुका है, जिसका नाम है भारित औसत लाभ। अब भारित औसत के लाभ के सवाल को किस तरीके से मुझे सॉल्व करना चाहिए वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप नंबर 1, आपको इस तरीके का कोष्ठक बनाना है। वर्ष आपके सवाल में पहले से दिया होगा, लाभ आपके सवाल में पहले से दिया होगा। तीसरा कॉलम आपको रेडी करना है भार के नाम से और चौथा कॉलम आपको रेडी करना है भारित लाभ और जिसका दूसरा नाम है गुणन फल। यानी कि आपको ये चार कोष्ठक रेडी करना है, जिसे मैं बोलता हूं स्टेप नंबर 1 कोष्ठक बनाए। सवाल राइट करने के बाद, दैट मीन्स आपने पहले वर्ष लिख दिए, फिर आपने लाभ लिख दिए, फिर हमें सभी को भार देना है। जैसे कि 2012-13 का लाभ कितना है 90,000, उसके सामने भार दे देता हूँ 1। 2013-14 का लाभ कितना 110,000, उसके सामने मैं भार दे देता हूँ 2। 2014-15 का लाभ कितना 120,000, मैं भार दे देता हूँ 3। 2015-16 का भार लाभ कितना दिया 130,000, जिसके सामने भार दे देता हूँ 4। 2016-17 का लाभ कितना दिया हुआ 140,000 और मैं भार दे देता हूँ 5। या फिर इस मेथड की दूसरी टेक्निक भी ये, देखो लाभ 90,000 से लेकर के 140,000 तक, आपने एक चीज़ नोट की होगी, लाभ हमेशा क्या रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, भारित औसत लाभ। भार देने के बाद इन सभी को कर देंगे हम टोटल, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। तो ये मुझे मिल चुका है कुल भार, कुल भार हमारे पास कितना आ चुका है 15। बाजू मैंने एक नया कॉलम बना के रखा है भारित लाभ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुणनफल, यानी कि लाभ का गुणा मुझे भार के साथ करना है। तो 90,000 × 1 करेंगे, यानी कि आपका जवाब आएगा 90,000। 90,000 × 1 110,000 × 2, मैं केलसी में करके आपको दिखाता हूँ। 110,000 × 2 कितना आ चुका जवाब, 2,20,000। तो आप यहाँ पर लिख दो 2,20,000। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको 12th के कोई भी वीडियो की जरूरत है, दैट मीन्स कोई भी चैप्टर की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगा उस वीडियो को ईजी वे में आप तक पहुँचाने का ट्राई करूँगा। 2014-15 का लाभ कितना दिया 1,20,000, जिसके सामने भार कितना दिया 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000, भार हमारे पास कितना है 3, तो × 3 आपका जवाब आ चुका है 3,60,000। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 3,60,000। 2015-16 का लाभ कितना दिया 1,30,000, इसके सामने भार कितना है 4, तो 1,30,000 का गुणा किससे कर देता हूँ 4 से। 1,30,000 × 4 कितना आ चुका है जवाब, 5,20,000। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, यानी कि लिख देता हूँ 5,20,000। 2016-17 का लाभ कितना 1,40,000, जिसके सामने भार कितना है 5, तो 1,40,000 का गुणा किससे कर देता हूँ 5 से। 1,40,000 × 5 कितना आ चुका है 7,00,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,00,000। आई होप मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया आपको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, पाँचों वर्ष के भारित लाभ को जोड़ देना है। तो मेरे पास कैलसी में जोड़ते जाता हूँ, पहला लाभ कितना आया था आपका 90,000, दूसरा कितना आया था 2,20,000, तीसरा कितना आया था 3,60,000, चौथा कितना आया था 5,20,000 और पांचवा कितना आया था हमारे पास 7,00,000। तो ये आ चुका है आपका टोटल 18,90,000। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ और लिख देता हूँ कुल भारित लाभ। कुल भारित लाभ हमें कितना मिल चुका है 18,90,000। ये हो गया हमारा कोष्ठक नंबर 1, यानी कि स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैंने लिखा है भारित औसत लाभ। अब भारित औसत लाभ को लिखने से पहले आपको याद करना पड़ेगा सूत्र, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ भागे कुल भार। कुल भारित लाभ अभी हाल आपने सॉल्व किया, कितना आ चुका है 18,90,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,90,000 डिवाइड, क्या लिखा हुआ है कुल भार, कुल भार हमारे पास कितना आ चुका है 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15।
18,90,000 को किससे भाग दे देता हूँ, 15 से, तो कैल्शियम में भाग दिया देता हूँ 18,90,000 भागे कुल भार कितना हमारे पास 15, 15 से मैंने भाग दे दिया, आपका जवाब आ चुका है 1,26,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,26,000। और ये सॉल्व हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 2, भारित औसत लाभ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अब सवाल में खरीदी के वर्ष दिए गए हैं, कितने दिए गए, 2। ये जो सवाल है गुजरात बोर्ड 2018 का है, आप गुजरात बोर्ड 2018 का पेपर देखेंगे तब आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, जहाँ पे खरीदी के वर्ष कितने दिए गए, 2। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी सवाल में खरीदी के वर्ष दिए गए तब हमें क्या याद करना पड़ेगा, ख्याति, जिसे मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है, ख्याति। तो ख्याति का सूत्र क्या है, भारित औसत लाभ गुणे में खरीदी के वर्ष। भारित औसत लाभ अभी हल आपने सॉल्व किया, कितना आ चुका है 1,26,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,26,000 गुणे में खरीदी के वर्ष। सवाल में खरीदी के वर्ष कितने दिए गए हैं, 2। तो मैं खरीदी के वर्ष की जगह पर कितना लिख देता हूँ, 2। 1,26,000 का गुणा किससे कर देता हूँ, 2 से। 13 हमारे पास 1,26,000 तो ऑलरेडी पहले से लिखे हुए, गुणे में खरीदी के वर्ष कितने हैं, 2। तो इनटू 2 आपका जवाब आ चुका है 2,52,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,52,000। और ये सवाल हो चुका है हमारा कंप्लीट स्टेप नंबर 3, ख्याति। आई होप भारित औसत लाभ मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।